अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरी आज की वीडियो सविता देवी के बारे में है। आप 1914 में पैदा हुई और 1965 में फोर्थ हुई। आप बॉलीवुड फिल्मों की एक्ट्रेस थी और आप उस दौर की लीडिंग एक्ट्रेस में आपका शुमार किया जाता है। आपके साथ जिन अदाकाराओं ने काम किया या जो आपके उस दौर की कंटेम्प्रेरी आपकी हमेशा अदाकाराएँ थी, वो मेहताब, बिब्बो, दुर्गा खोटे, गोहर, देविका रानी और सीता देवी। आप ज्यूइश ओरिजिन से थी, यहूदी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और आप एंग्लो इंडियन थी। जिस तरह सुलोचना का नाम रूबी मायर था, सीता देवी का रेने स्मिथ और माधुरी बेरिल क्लिसन और मनोरामा का एरिन डैनियल था। इसी तरह आप जब पैदा हुए तो आपका नाम था एरिस मॉड गैस्पर, लेकिन आपका नाम सविता देवी रखा गया। और आप इंडिया में पैदा हुई और आप नॉटिंगम इंग्लैंड में फोर्थ हुई 1984 में। और आपके हस्बैंड का नाम है डेविड ट्रेफर लुइस। आप उस दौर की बड़ी तीन बड़ी एक्ट्रेसेस में आपका शुमार होता है। और सलोचना और गोहर मामा जी वाला के बाद आप तीसरी बड़ी एक्ट्रेस थी जिनको सबसे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। और आपकी सैलरी 3000 रुपीज़ थी पर मंथ। उस दौर के जो राइटर थे के एम मुंशी, रमन लाल, वसंत लाल, उनसे फिल्मों की स्टोरी लिखवाई जाती और आपसे उस दौर के जितने भी एक्टर थे एक्ट्रेस थी उनसे कई दफ़ा रिहर्सल करवाई जाती। आपके वालिद पर्सी ऑसबोर्न गैस्पर 1938 में बॉम्बे में फोर्थ हुए। और आपकी जो वालदा हैं वो आपकी मैनेजर रहीं और आपकी कंपेनियन भी रहीं। आपकी पहली फिल्म थी कमानेर आगुन, फ्लेम्स ऑफ फ्लैश, एक बंगला फिल्म थी। और ये सेमी हिस्टोरिकल मूवी थी। आपने अपराधी फिल्म में काम किया, उसमें पीसे बरुआ आपके अगेंस्ट थे। और इसके साथ ही आपका कैरियर बड़ी कामयाबी से चलता रहा और बेशुमार 1935 से लेकर 1943 तक आपने कमोबेश 15 फिल्मों में काम किया। उसके बाद 1940 में सजनी एक सोशल मूवी थी, बॉम्बे की सैर 1941 में बनी। ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉमेडी मूवी थी। आपकी फिल्मों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं चांदे के नाम ज़रूर लूँगा। कमुनार आगुन 1930 में रिलीज़ हुई, अपराधी 1931 में रिलीज़ हुई, मरानीर पारे आफ्टर द डेथ 1931 में रिलीज़ हुई, फरजंद हिंद 1934 में रिलीज़ हुई, चंद्रा गुप्ता 1934 में रिलीज़ हुई। इसमें एआर कारदार, गुल हमीद, नज़ीर, मज़र खान, धीरज भट्टाचार्य, इन लोगों ने काम किया। कोकिला सर्वोत्तम, ये 1937 में आपकी फिल्म रिलीज़ हुई, आपकी मर्जी 1939 में रिलीज़ हुई। फैशन 1943 में रिलीज़ हुई। और आपकी लास्ट फिल्म थी सराय के बहार कृष्ण। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।